नमस्कार दोस्तों, सार्थक ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे समय के बारे में जो पूरे मनुष्य जाति के लिए सबसे उत्तम समय है, सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन काल से, सदियों से हमारे ऋषि मुनि इस समय का उपयोग करते आए हैं और इस समय का फायदा लेते आए हैं। अनेकों ऐसे लोग हैं जो इस समय का सदुपयोग करके सफलता का स्वाद चख चुके हैं। तो दोस्तों, वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में पूरी तरह से विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय कब से कब तक का होता है। इसी वीडियो में मैं ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में उसके लाभों, हानियों और उसके महत्व की भी चर्चा करूंगा। यदि आप इन सभी जानकारियों से अवगत होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का मनुष्य सुबह से रात तक इस दुनिया की चकाचौंध में लगभग डूब सा गया है। वह अपने आप को लगभग भूल सा गया है। आज का मनुष्य सुबह से रात तक अपनी तमाम इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। उसका सारा समय व्यावसायिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यतीत होता है। फिर भी उसकी इच्छाएं एवं आवश्यकताएं खत्म होने का नाम नहीं लेती और ना यह कभी खत्म होंगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद आज व्यक्ति को केवल रात में स्वयं के लिए थोड़ा सा समय मिलता है, लेकिन तब तक उसकी ऊर्जा बहुत कम हो चुकी होती है। एक ही समय है जब आप तरोताजा और जागरूक होते हैं और आसानी से अपने आप को जान सकते हैं, अपने भीतर जा सकते हैं, और वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब आप अपने भीतर जा सकते हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से जान सकते हैं। यहाँ ब्रह्म का अर्थ ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ समय होता है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ ज्ञान का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त एक ऐसी तालिका होती है जिसमें खगोलीय आधार पर दिन के 24 घंटों की दशा को दर्शाया गया है। इन 24 घंटों में दिन और रात को मिलाकर कुल 30 मुहूर्त होते हैं, जिसमें दिन 15 मुहूर्त और रात 15 मुहूर्त का होता है। दिन रात के 30वें भाग के समय को मुहूर्त कहते हैं। यहाँ एक मुहूर्त 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का होता है। इस प्रकार कुल 24 घंटे में 60 घड़ियाँ होती है। सूर्योदय के पहले 2 मुहूर्त होते हैं। पहला मुहूर्त विष्णु मुहूर्त होता है और दूसरा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अनुसार सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतिम पहर की 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त की कुल समय अवधि 4 घड़ी या 96 मिनट अर्थात 1 घंटे 36 मिनट का होता है। यह जो ब्रह्म मुहूर्त है, यह सूर्य उदय के ठीक 96 मिनट पहले अर्थात 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है। आप कहीं कहीं देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 4:24 से
5:12 के मध्य बताया गया है, परंतु यह पूर्णतः सही नहीं है। यहां मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर जगह के ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि हर जगह का भौगोलिक स्थिति अर्थात ज्योग्राफिक लोकेशन अलग अलग होती है, जिसके कारण से प्रतिदिन प्रत्येक स्थान पर सूर्य के उगने का समय भी बदलता रहता है। इसी कारण से ब्रह्म मुहूर्त का समय भी हमेशा बदलता रहता है। यहाँ एक उदाहरण की मदद से इसे समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि किसी विशेष स्थान पर सूर्य के उगने का समय 5 बजे है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 5 बजे से 1:36 पहले अर्थात 3:24 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगी। यदि सूर्य 6 बजे उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 1:36 पहले अर्थात 4:24 से शुरू होगी। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त का सही समय जानना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन अपने निवास स्थान पर सूर्य के उगने का समय देखना होगा, तभी जाकर आप ब्रह्म मुहूर्त के सही समय का सही सही पता लगा पाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान को समझने के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि यह आपका अपना समय है। 24 घंटे में दूसरा और ऐसा कोई भी समय नहीं है जो ब्रह्म मुहूर्त के जैसा हो। यही एक केवल एक ऐसा समय है जिसमें आप स्वयं को जान सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त स्वयं से स्वयं के मिलन का सर्वश्रेष्ठ समय है। यह आपका अपना समय है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक विशेष समय है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब इसी समय पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्तर सर्वोच्च होता है, सबसे अधिक होता है। यही एक ऐसा समय है जब लगभग सभी जीव जंतु जग जाते हैं, सभी पेड़ पौधे जग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पक्षियां चहचहाने लगती हैं, मंदिरों के पट खुल जाते हैं, पूरा वातावरण तरोताजा हो जाता है, पूरे वातावरण में एक नई ताजगी का संचार होता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है, जो कि 41% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सबसे कम होता है, सबसे न्यून होता है। जर्नल ऑफ योग एंड अप्लाइड साइंसेस के अनुसार पूर्व भोर अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता 41% होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके अनेक लाभ हैं। अष्टांग हृदयम में भी यह लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से किसी की उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उन्हीं लोगों को जागना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हों, यह अष्टांग हृदयम में लिखा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें ध्यान कार्य सबसे अति उत्तम माना गया है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वह कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह एक ऐसा समय है जब आपकी आवाज आपके ईश्वर तक पहुंचती है, परमपिता ब्रह्मा तक पहुंचती है, आपके इष्ट देव तक पहुंचती है। इस अवधि में आप जिस चीज की भी सबसे अधिक चाह रखेंगे उन चीजों की प्राप्ति अवश्य होती है। यही एक ऐसा समय है जब आप किसी चीज को
सच्चे मन और सच्चे हृदय से चाहेंगे तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उसे आपसे मिलाने में लग जाता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में किए गए शोध से अनेक तथ्यों एवं अनेक लाभों की पुष्टि होती है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली पुष्टि यह हुई है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बढ़ती है। यदि आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और आपका शरीर अनेक बीमारियों से लड़ने में मजबूत हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उपयुक्त समय कहा है, सबसे उत्तम समय माना है। ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में अनेकों शोध कार्य किए गए हैं और उन शोधों से अनेक तथ्यों की पुष्टि होती है, अनेक लाभों की पुष्टि होती है, जो मैं अब यहाँ बताने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बढ़ती है। बीमारियां ऐसे व्यक्ति से कोसों दूर होती है, उन्हें बीमारियां छू भी नहीं सकती। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्मरण शक्ति का विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है, बुद्धि का भी विकास होता है, एकाग्रता अर्थात कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसे असीम शांति का अनुभव होता है। बुद्धि, बल, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठते हैं उसका शरीर फुर्तीला होता है, काफ़ी एक्टिव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक लाभ यह भी है कि शरीर में रक्त का पीएच लेवल अर्थात पीएच स्तर संतुलित रहता है। शरीर में दर्द, खराश और ऐंठन से राहत मिलती है। इसका एक लाभ यह भी है कि शरीर में खनिज और विटामिन का अवशोषण बढ़ता है। शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन की मात्रा संतुलित रहती है। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथों और अष्टांग हृदयम जैसे अनेक प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पूरे दिन शरीर तथा मस्तिष्क में स्फूर्ति तथा ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से एक लाभ यह भी होता है कि व्यक्ति में वात, पित्त और कफ की मात्रा संतुलित होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठते हैं उन्हें सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यान स्वयं के द्वारा स्वयं से मिलने एवं स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पूरे ब्रह्मांड में ध्यान के अलावा स्वयं को जानने एवं समझने के लिए कोई भी दूसरी विधि नहीं है। ध्यान सहज समाधि है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है। ध्यान करने से चित्त शून्य हो जाता है। दूसरी कार्य जो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं और वह है ज्ञान अर्जन करना। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करना चाहिए या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को खोज करना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है, उसे दूर करने में भी मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय
जो तीसरा कार्य करना चाहिए वह योजना बनाना है। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। जीवन में आप जो भी चीज करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन क्षेत्रों से संबंधित मुख्य योजना बनाना आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय आप आत्मनिरीक्षण भी कर सकते हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय आप दैनिक कार्यों को याद कर सकते हैं और आप अपना आकलन स्वयं भी कर सकते हैं कि जीवन में ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि हैं तो उसे समाप्त करने का संकल्प आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही लेना चाहिए। ऐसा करने से इन भावनाओं से आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। संभोग, नींद, यात्रा आदि से बचना चाहिए। इस समय भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय बहुत अधिक तनावपूर्ण गतिविधियों में भाग नहीं लेनी चाहिए। एक प्रश्न यहाँ यह भी आता है कि क्या सभी लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए? अष्टांग हृदयम के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, ऐसा अष्टांग हृदयम में लिखा हुआ है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि निम्नलिखित लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर कोई पाबंदी नहीं है, यदि वे चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ ये व्यक्ति भी ले सकते हैं, जैसे गर्भवती महिला, बच्चे, वृद्ध लोग, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग तथा जिन लोगों को रात का भोजन नहीं पचा हो, यदि वे भी चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त का फायदा ले सकते हैं, वे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। अब मैं यहाँ ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है यह संपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। इसी समय देवी देवता विचरण करते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। सभी मंदिरों के पट ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार एवं पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, ऐसा हिंदू धर्म में विधान है। इसका एक महत्व यह भी है कि जल्दी उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। एजुकेशन ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सबसे उपयुक्त माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अर्थात प्राण वायु की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का एक महत्व यह भी है कि आयुर्वेद में इसके अनुसार समय बहने वाली वायु को अमृत के समान कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार, अष्टांग हृदयम के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में जो हवा बहती है, जो वायु बहती है, वह अमृत के समान है, वह अमृत तुल्य है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर चुस्त दुरुस्त होता है। यही एक ऐसा समय है जब आप अपने अंतरात्मा को जान सकते हैं। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति एवं ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी सर्वाधिक रहता है, तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण कुछ भी पढ़ा हुआ आसानी से हमारे मस्तिष्क में चला जाता है और वह लंबे समय तक हमें याद भी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त को विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय मस्तिष्क तरोताजा होता है और पढ़ाई में मन भी लगता है। इस समय मन में शांति होने के कारण मन में किसी तरह के दूसरे विचार नहीं आते हैं, जिससे एकाग्रता से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय एकाग्रता सर्वाधिक होती है। इस समय याद किया हुआ लंबे समय तक याद रहता है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि इसी समय उठते थे और अनेक ध्यान कार्य करते थे, ग्रंथ रचना करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तो दोस्तों, यह है ब्रह्म मुहूर्त और इसमें किए जाने वाले कार्यों के संबंध में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इसका लाभ के सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।